एक बार एक आदमी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उसने पूछा, भंते, मुझे यह जीवन क्यों मिला है? इतनी बड़ी दुनिया में मेरी क्या कीमत है? बुद्ध उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और उसे एक चमकीला पत्थर देते हुए बोले, जाओ पहले इस पत्थर का मूल्य पता करके आओ, पर ध्यान रहे, इसे बेचना नहीं है, सिर्फ मूल्य पता करना है। वह आदमी उस पत्थर को लेकर एक आम वाले के पास पहुंचा। उसे पत्थर दिखाते हुए बोला, इसकी क्या कीमत होगी? आम वाला पत्थर की चमक देखकर समझ गया कि निश्चित रूप से यह कोई कीमती पत्थर है, लेकिन वह बनावटी आवाज़ में बोला, देखने में तो कुछ खास नहीं लगता, पर मैं इसके बदले 10 आम दे सकता हूँ। वह आदमी आगे बढ़ गया। सामने एक सब्जी वाला था। उसने उससे पत्थर का दाम पूछा। सब्जी वाला बोला, मैं इस पत्थर के बदले 1 बोरी आलू दे सकता हूँ। आदमी आगे चल पड़ा। उसे लगा पत्थर कीमती है, किसी जौहरी से इसकी कीमत पता करनी चाहिए। वह एक जौहरी की दुकान पर पहुंचा और उससे उस पत्थर की कीमत पूछी। जौहरी उसे देखते ही समझ गया कि यह बेसकीमती रूबी पत्थर है, जो बहुत ही किस्मत वाले को मिलता है। वह बोला, पत्थर मुझे दे दो और मुझसे 10,000 रुपये ले लो। उस आदमी को अब तक पत्थर की कीमत का अंदाज़ा हो गया था। वह बुद्ध के पास लौटने के लिए मुड़ा। जौहरी उसे रोकते हुए बोला, अरे रुको तो भाई, मैं इसके 50,000 दे सकता हूँ। लेकिन वह आदमी फिर भी नहीं रुका। जौहरी किसी कीमत पर उस पत्थर को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। वह उछल कर उसके आगे आ गया और हाथ जोड़कर बोला, तुम यह पत्थर मुझे दे दो, मैं 1,00,000 रुपये देने को तैयार हूँ। वह आदमी जौहरी से पीछा छुड़ाकर जाने लगा। जौहरी ने पीछे से आवाज़ लगाई, यह बेसकीमती पत्थर है, अनमोल है, तुम जितने पैसे कहोगे मैं दे दूंगा। यह सुनकर वह आदमी हैरान परेशान हो गया। वह सीधा बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें पत्थर वापस करते हुए सारी बात कह सुनाई। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, आम वाले ने इसकी कीमत 10 आम लगाई, आलू वाले ने 1 बोरी आलू और जौहरी ने बताया कि यह अनमोल है। इस पत्थर के गुण को जिसने जितना समझा उसने इसकी उतनी कीमत लगाई। ऐसे ही यह जीवन है, हर आदमी एक हीरे के समान है। दुनिया उसे जितना पहचान पाती है उसे उतना महत्व देती है, लेकिन आदमी और हीरे में एक फ़र्क यह है कि हीरे को कोई दूसरा तराशता है और उसमें चमक लाता है, जबकि आदमी को खुद अपने आप को तराशना पड़ता है और खुद को चमकाना पड़ता है। तुम भी अपने आप को तराश कर अपनी चमक बिखेरो, तुम्हें भी तुम्हारी कीमत बताने वाले मिल ही जाएंगे। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।